क्या हो रहा है? मेट्रो रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन अभी हम बहुत जल्दी में हैं, हमें जाना है द्वारका। कितनी भीड़ है यहाँ, क्योंकि आज UPSC का ही नहीं GSSS भी का भी एग्जाम है और कुछ लोग जा भी रहे हैं रक्षाबंधन के लिए शायद। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काहे कि 6 बजे साला मैं आज तक जिम के लिए नहीं उठा, मेरे लिए उठना पड़ेगा। चल 6 बजे आराम से भाई, सुबह 6 बजे उठ के संडे में ना, संडे कौन ना आता संडे को हम, और नहाने के बाद भी शक्ल देखे। ये है दिल्ली का पसीना। पहले आप इस मैप को ढंग से देख लें। हमारा बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में। और वहाँ से शुरू होगी, यहाँ में पहुँचना है। हेलो गाइस, मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। बहुत गंदा टेस्ट है। मुझे भूख लग रही है। फ्लेवर चूजन बाय अंकित। सुबह सुबह 6 बजे नहाने का नुकसान पता क्या था? आदमी का थोपड़ा बिल्कुल नया वाला लगता है। बहुत बढ़िया चेक हो रहा है। हमें सीट मिलने वाली है। अभी वक्त हो रहा है 8:55 और मेरा रिपोर्टिंग है कितने बजे? 9:30 तक मुझे पहुंचना है। और अभी मेरा स्टेशन जनकपुरी ईस्ट पर हम हैं। देखो पता नहीं अभी तमनगर वेस्ट ईस्ट 15 मिनट और लगेंगे। 15 मिनट आप और। ये है हमारा सारा मैप। अभी हम यहाँ पर कौन सी उंगली आई हुई? अरे आ रही उंगली आ रही है। अरे मुँह से बोल, पढ़ने में आ रहा है। हाँ मैं अभी जनकपुरी वेस्ट पहुँचे। जनकपुरी वेस्ट आप लोग देख सकते हैं। जनकपुरी वेस्ट का मुझे खुद दिखाई नहीं रहा। डोरा डार्क फ्लोरा हमें जनकपुरी वेस्ट दिख रहा है। क्या हमें दिख रहा है? स्टेबिलिटी तो है ही नहीं कैमरे में। भाई यार कैसा कार जो जनकपुरी जनकपुरी द्वारका दिखाई दे रहा है मुझे। अरे ये रहा जनकपुरी, मुझे दिख गया यार। ये देख वेस्ट देख, नीचे देख, पर्पल पर्पल सा आपको दिखाई दे रहा है। अब आएंगे जनकपुरी वेस्ट। हाँ मुझे अभी भी दिखाई नहीं दिया। तो हमें बस आप ये समझ लीजिए लास्ट से फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट थर्ड में हमें जाना है। ओके बाय। के 14 मिनट हो चुके हैं और हमारी हमें जाना था सेक्टर 9 और हमारी ट्रेन की इस लदुड़ी की वजह से नहीं उसमें खाना था और वहाँ लिखा था कि द्वारका से रेल लाइन ना रेल लाइन पर जाके ठीक है ना, वहाँ पे 10 से 20 सेकंड तक रुकी रही मेट्रो और हमने ध्यान नहीं दिया और हमने बैग से पराठा निकाला ट्रेजर हंट हो गया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और ये प्रीति की किस्मत में चौथी रेड लाइट जब से ऑटो में बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा हो गया। जब आदमी को देर हो रही होती है ना उस टाइम पैसा होता ही है, इसलिए कहते हैं जल्दी निकला करो कहीं भी घर से बाहर। सुबह उठने में टाइम लगाएंगे, फिर बस में टाइम लगाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ही दिक्कत होती है थोड़ी देर में। पर मौसम सच में बहुत प्यारा हो रहा है। और ये हमारी बत्ती हुई करीब यहाँ से है 2.5 किलोमीटर। एक और रेड लाइट हमारी किस्मत है, यही करते रह जाएंगे हम तो। रेड लाइट ही खेलते रह जाएंगे।
और हम अपने सेंटर पर पहुंचने वाले हैं। फाइनली टाइम हो रहा है 9:36, पहली बार अपने सेंटर पे पहुंच रही हूँ। देखो कितना हो रहा है। बाय बाय ऑटो वाले भैया, ये रहा मेरा सेंटर। बारिश हो रही है यार, मेरी बुखार भी हो रही है मेरे को ना, तो देखो पता नहीं क्या होता है जी। तो इट्स ब्रेक टाइम, पेपर वन हो चुका है और अब पेपर टू की तैयारी चल रही है। मौसम बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो गया, सुबह हम आए थे और थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए। वहाँ की मेरी बहुत दुख रही है, दवाई खाने का फ़ायदा रहा कि बुखार नहीं आया, और अब मैं थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ, उसके बाद हम सीधे सेकेंड मीटिंग के बाद मिलते हैं। सेकेंड पेपर चेक, लेकिन घर मुझे अकेले जाना है, भाई नहीं आया। चलो यार ऐसी है, एग्जाम हो चुका है, भाई अपने रूम में जा चुका है और अब मुझे यहाँ से खुद ही जाना है। मेरी सोलो ट्रिप, पहली सोलो ट्रिप। तो मैं यहाँ हूँ, इधर लिखा है सेक्टर 21 की ओर, इधर लिखा है वैशाली, क्या लिखा है वैशाली की ओर, तो मुझे इधर जाना चाहिए। 5:15, खाली मेट्रो स्टेशन और मेरी चप्पल और ये मैं। इतनी भीड़ भाड़ और सब के सब अकेले, मैं क्या करती। मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी और हेडफोन्स भी नहीं, और ये तो मेरे सर पर खड़ा है। पर क्या करें, कुछ तो करना ही था। और तभी मुझे मिली है पहाड़ी आंटी, जिसने खूब सारी बातें की, और फिर ये 80 साल की अम्मा, ये भी बहुत बतूनी थी, इनसे भी खूब मज़ा आया बात करने में, और इनकी फैमिली से भी। ये लोग मिले मुझे कुछ ठीक, ना जाने मेरी तबीयत ख़राब थी या क्या, लेकिन एसी इतना ठंडा कर रहा था मेट्रो में, जैसे 16 से भी कम टेम्परेचर पर चल रहा हो। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ आनंद विहार मेट्रो स्टेशन। यहाँ से देखते हैं घर ही जाना, तो और कहाँ जाना, चलते हैं, बहुत भीड़ है। बहुत अच्छी तरीके से मैं आराम से आनंद विहार पहुंच गई हूँ, जहाँ सुबह आई थी, और मेरे घर वालों का डर भी लगभग ख़त्म ही हो चुका होगा ऐसा मुझे लग रहा है। और अब मैं कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग थोड़ा रास्ते में, थोड़ा घर पहुंचकर, फोन में बैटरी भी कम है, चलते हैं। बाय दिल्ली। मेरे लिए मेट्रो में सफ़र करना थोड़ा मुश्किल था, ऑल दो ये ईजी था क्योंकि बैठे बैठे ही सारा एक ही लेन में था सब कुछ, और मुझे मेट्रो से पता नहीं क्यों डर लगता है कि पता नहीं क्या ले चेंज करनी होगी, समझ आया नहीं आया। सुबह मैं ही आ जाती इसीलिए मैं अकेले नहीं आ पाई थी। अब मैं उसमें बैठती हूँ, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। चलो पहुँच चुकी हूँ, पूरे 12 घंटे से ऊपर हो चुका है टाइम, और अब मैं अपने घर वालों को कॉल करती हूँ क्योंकि वो मुझे लेने आ चुके हैं, तो पहले उनसे मिलते हैं। चलिए देखिए रात वाला मेरठ।